भारत ने दिखाया एरो शो में अपना दम, HAL और DRDO के हथियारों से सबकी सांसें गई थम। HLFT-42 मचाएगा गदर, हनुमान जी की फोटो ने उड़ाई चीन पाकिस्तान की नींद, आज दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की ताकत, PM नरेंद्र मोदी करेंगे एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन, सुपरसोनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर प्रचंड, इस एरो शो में क्या क्या होगा इसके सब के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर जरूर लिखें। तो दोस्तों चीन और पाकिस्तान की टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन से निपटने के लिए भारत आज एरो इंडिया शो 2023 के माध्यम से पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन करेंगे। इस एयर शो में आकाश में भारत की क्षमता पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी और भारत की रक्षा क्षमताओं को दर्शाया जाएगा। एरो इंडिया 2023 जो है दोस्तों ये 14वां एरो इंडिया शो होगा जिसमें प्रचंड और तेजस समेत कई जेट उड़ान भरेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो यहाँ तक कह चुके हैं कि बेंगलोर में ये अब तक का सबसे बड़ा एरो शो होने वाला है। इस एरो शो में दोस्तों 98 कंट्रीज के नेता, राजनेता और डिफेंस एक्सपर्ट शामिल होंगे। 32 देशों के डिफेंस मिनिस्टर और 29 देशों के एयर चीफ भी इस एरो शो में शामिल होंगे। इस एरो शो में 809 रक्षा कंपनियां और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया के सामने रक्षा क्षेत्रों में विकास का प्रदर्शन करेंगी। इस एरो शो के दौरान अलग अलग भारतीय और विदेशी कंपनियां जो हैं वो 75,000 करोड़ रुपए के 251 एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए जाने की इसमें संभावना है। लेकिन दोस्तों इस एरो शो में सबसे ज्यादा नजर जो है वो है HLFT-42 पर, जिसे दोस्तों HAL ने तैयार किया है। एरो इंडिया 2023 में हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी HLFT-42 के स्केल मॉडल को प्रदर्शन किया जाएगा। HLFT-42 जो है दोस्तों ये नेक्स्ट जनरेशन का सुपरसोनिक ट्रेनर विमान है जो आधुनिक जंगी विमान के प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दोस्तों HAL ने इस ट्रेनर विमान की पूंछ पर हनुमान जी की फोटो लगाई है। इसकी ताकत के बारे में अभी पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता है, लेकिन हनुमान जी की ताकतों के बारे में दोस्तों हम सब लोग जानते हैं। ऐसे में दोस्तों कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ट्रेनर विमान होगा HLFT-42, इसमें जबरदस्त ताकत होगी। इसी HLFT-42 ने पाकिस्तान और चीन की नींद तक उड़ा दी है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस बार का जो एरो शो होने वाला है इसमें कई चीजें अनवील की जाने वाली हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है वो HAL द्वारा बनाया गया यही HLFT-42 ट्रेनर विमान है। HLFT-42 से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस विमान से जुड़ी एक फोटो जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें दोस्तों इस विमान की पूंछ पर भगवान हनुमान को बनाया गया है और नीचे लिखा गया है द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी कि तूफान आने वाला है और इसी तूफान ने पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है। HLFT-2 के टेल पे दोस्तों जो हनुमान जी की फोटो बनाई गई है वो थोड़ी एग्रेसिव वे में बनाई गई है, जो कि इस विमान के साथ हनुमान जी का थोड़ा रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि हनुमान जी भी बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज थे। तो HAL ने हनुमान जी के पोस्टर के बहाने यही दिखाने की कोशिश की है कि ये विमान भी अति शक्तिशाली और बहुत तेज होने वाला है। अब दोस्तों HAL ने इसकी जो थोड़ी सी झलकी दी है विमान की, इसको भी बड़े इंटरेस्टिंग वे में दिखाया है। दुश्मनों को डराने के लिए एक तो हनुमान जी की फोटो दिखाई गई है और साथ ही साथ इसमें लदी हुई जो मिसाइलें हैं केवल वो दिखाई गई है, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट दोस्तों HAL ने प्रदर्शित नहीं किया है, जिससे कि दोस्तों HAL ने दुश्मनों के दिलों में भय या डर डालने का काम किया है। अब ये विमान कितना खतरनाक होने वाला है ये तो दोस्तों हमें जो इसकी झलकियां मिली है इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों कि HLFT-42 का धूम धड़ाका इसलिए है क्योंकि ये अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का सुपरसोनिक प्रशिक्षण विमान है और ये एडवांस वॉरफेयर के प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। HAL की ओर से कहा गया है कि इस विमान में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, वायर कंट्रोल सिस्टम द्वारा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक विद फ्लाई जैसी आधुनिक विमान सुविधाएं होंगी। आपको बता दें दोस्तों कि ये एयरो शो होने वाला ये 5 दिन तक चलेगा और HAL की तरफ से इसमें 15 हेलीकॉप्टर की मदद से
आत्मनिर्भर भारत फॉर्मेशन उड़ान का प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो एयरो शो होगा, इसमें एडवांस्ड हल्के हेलीकॉप्टर के सभी प्रकार, प्रचंड हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर और हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। HLFT ने तो दुश्मनों की नींद उड़ा ही रखी है, साथ ही साथ इसमें तेजस भी शामिल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत में ही विकसित किया गया LCA तेजस विमान जो है, वो भी इस शो का एक और मुख्य सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। LCA तेजस एक सिंगल इंजन वाला हल्का, अत्यधिक चुस्त और मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है। 2024 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ दुश्मनों की नींद उड़ाने आ रहा है प्रचंड हेलीकॉप्टर भी। एयरो शो में भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी उड़ान भरेगा। एयरो शो में सेना के सीनियर ऑफिसर्स इस हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि इस LCS को पिछले साल ही इंडियन डिफेंस फोर्सेज में शामिल किया गया है और ये पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान और चीन की धूर्त करतूतों का जवाब देने के लिए बहुत माकूल है। साथ ही साथ फिफ्थ जनरेशन के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark II और नेवल ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट जो हैं, वो भी भारत के भविष्य के स्वदेशी विमानों के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। सभी एयरक्राफ्ट जो हैं, वो फिलहाल तो डेवलपमेंट के स्टेज में हैं, लेकिन दोस्तों इनकी जो झलकी मिल रही है उनसे पता चलता है कि वे कितने खतरनाक हैं। साथ ही साथ दोस्तों एयर शो में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का भी मॉडल प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें दिखाई जाने वाली है, वो है जेट पैक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जेट पैक क्या होता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे जेट पैक एक सैनिक के मॉडल का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि इंडियन आर्मी ने उत्तरी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए 48 जेट पैक खरीदने का टेंडर जारी किया है। अब इन जेट पैक्स को पहनकर इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, वो हवा में उड़ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, है ना वाकई कूल टेक्नोलॉजी। इस एयरो शो में शामिल होने के लिए अमेरिका, इजराइल, स्पेन, फ्रांस, इटली, जापान जैसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। भारत अपनी डिफेंस फोर्सेस का दम पूरी दुनिया को दिखाएगा और चीन पाकिस्तान की तो अभी से सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है।